हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार 2005 आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। हम लोग जब किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में कोई काम कराने जाते हैं, तब हमें बार बार उस काम के लिए दौड़ाया जाता है, हमारे काम को किया नहीं जाता है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। एक ही काम के लिए 10 बार हमें सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, फिर भी हमारा काम नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सभी सरकारी ऑफिस में कम या ज्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार है। इसी करप्शन और भ्रष्टाचार को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए 2005 में कांग्रेस की सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लाया था, जिसको हम लोग आरटीआई एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी विभागों को शामिल किया गया था। सभी सरकारी विभागों से आप जो भी सवाल चाहें पूछ सकते हैं। हालांकि कुछ देश के सुरक्षा से संबंधित जानकारी आप नहीं ले सकते हैं, इसकी एक अलग सूची है, लेकिन मान के चलिए कि 99% सूचना आपको इस एक्ट के द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 की। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ही आपको सिर्फ मिलेगा इस तरह के जरूरी और काम आने वाली जानकारियाँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरटीआई एक्ट है क्या। आरटीआई एक्ट मूलतः करप्शन और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक नियम कानून है, जिसमें हम किसी भी सरकारी ऑफिस, चाहे वो राज्य सरकार का ऑफिस हो या केंद्र सरकार का ऑफिस है, उससे हम लिखित में कोई भी सूचना मांग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे द्वारा जो सूचना आरटीआई एक्ट में मांगी जाती है वो कानून में मान्य है और कोर्ट में परमिसेबल है। अर्थात जो सूचना हम मांगेंगे वो सूचना को हम सबूत के तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं और वो सबूत के तौर पर कोर्ट के द्वारा परमिट की जाती है। तो सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि अगर हमें किसी सरकारी ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट हम नहीं मिल पाता है, तब हम आरटीआई से उस डॉक्यूमेंट को मांग कर अपना काम कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि आरटीआई एक्ट है क्या। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि आरटीआई एक्ट कैसे फाइल किया जाता है, आरटीआई एक्ट कैसे लिखा जाता है, इसका प्रोसीड्योर क्या है, इसकी फी कितनी है, इन सब बातों की हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो आज के समय में आरटीआई एक्ट दो तरीके से हम लोग फाइल कर सकते हैं, एक है ऑनलाइन मोड और दूसरा है ऑफलाइन मोड। तो आज के एपिसोड में, चूंकि एपिसोड कुछ बड़ा हो जाएगा, मैं ऑनलाइन को संक्षेप में और ऑफलाइन मोड को विस्तार रूप से बताऊंगा। तो पहले मैं ऑनलाइन मोड को ही बता देता हूं। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई के द्वारा कोई सूचना सरकार के किसी विभाग से जानना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, तब सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट बनाई है। आप ये वेबसाइट लिख लीजिए, मैं स्क्रीन पर ये वेबसाइट दे दूंगा। वेबसाइट है www.rtionline.gov.in। ये सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, www.rtionline.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर, यूजर नाम बनाना पड़ेगा, यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। यूजर आईडी आपके मोबाइल से बन जाएगा। यूजर आईडी जब बन जाए, तब आपको उसमें से 21 पॉइंट है जो दिशा निर्देश में दिया हुआ है, मतलब कैसे कैसे आरटीआई फाइल करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे लिखना है, इससे सारे दिशा निर्देश उसमें टोटल 21 पॉइंट है उसमें दिया हुआ है। आप डिटेल से उन सभी पॉइंटों को पढ़ लीजिए,
इससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। आज मैं ऑफलाइन पर बना रहा हूँ, ऑनलाइन पर मैं जिस दिन बनाऊंगा उस दिन विस्तार रूप से बता दूंगा कैसे आप ऑनलाइन करिएगा। तब आप 21 पॉइंट को पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको नीचे में मिलेगा RTI अप्लाई करने का एक डैश मिलेगा, मतलब एक बॉक्स मिलेगा, उसमें आप खोलिएगा। उसमें आपको अपना नाम पता सारा डिटेल भरना है। इसके अलावा आप किस विभाग से RTI लेना चाहते हैं उसका डिटेल भरना है। उसमें सारा कॉलम बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में आपको किस विभाग से लेना चाहते हैं, क्या सूचना लेना चाहते हैं, वो सारा विभाग भर दीजिए, उसका एड्रेस भर दीजिए। इसके अलावा आप अपना नाम पता एड्रेस भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए। इसके बाद नीचे 3000 एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, उस बड़े बॉक्स में आप 3000 वर्ड में आपको अपना RTI का जो सवाल है उसको पूछना है। मैक्सिमम वर्ड का लिमिट 3000 है। तब आप कोशिश कीजिए कि आप छोटे छोटे सवालों को बनाकर भेजिए, उसको ऑनलाइन भर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जब ये इतना भर लें तब आप UPI के माध्यम से या फिर ऑनलाइन या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए। ये पेमेंट आप 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच ये पेमेंट होगा। जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसके हिसाब होता है। बहुत बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाता है तो हो सकता है बाद में विभाग के द्वारा आपसे पैसा और मांगा जाए, तो वो खैर आपको ईमेल आ जाएगा, मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, तो वो तो पेमेंट करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा तो ये आपका RTI ऑनलाइन आपका हो गया। ये तो बात हुई ऑनलाइन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ इसमें एक बात और है, अगर आप BPL श्रेणी के हैं, गरीब हैं, तब आप अपना BPL कार्ड उसके साथ अटैच कर दीजिएगा, तब आपको 10 रुपये भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑफलाइन की, कि ऑफलाइन में RTI के द्वारा सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीड्यूर है। आपको इसमें एक सादा कागज पर आवेदन लिखना होता है। वो आवेदन आप जन सूचना पदाधिकारी जिस विभाग के नाम से लिख रहे हैं, मैं बगल में एक फॉर्मेट दे देता हूं कि आप उस फॉर्मेट के हिसाब से आवेदन बना लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप आवेदन लिख सकते हैं। फिर भी मैं पर हमेशा बता देता हूं कि आपको कैसे लिखना है। आपको जिस भी विभाग से सूचना लेना है आप सबसे पहले लिखिए, पहले लाइन में जन सूचना पदाधिकारी, उसके बाद विभाग का नाम, उसके बाद विभाग का पता, ठीक है। उसके बाद विषय लिखिएगा, तो विषय में आपको लिखना है कि सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में, ठीक। इस पेज के सबसे ऊपर में लिखना है सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना, उस सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद लिखना है सेवा में जन सूचना पदाधिकारी, फिर उसका पता किस विभाग का है उसका एड्रेस, फिर विषय में लिखना है कि सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना, फिर नीचे लिखना है कि महाशय, उसके बाद आपका जो भी सवाल है उसको कॉलम बना के, मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से 2-3 सवाल है तो उसको आप पैराग्राफ बनाकर आप पूछिए। कोशिश कीजिए कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो संक्षिप्त हो, बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा सवाल है तो उसको 2-3 कॉलम में 2-3 ABC करके आप पूछिए। नहीं तो क्या होता है कि जब आप एक ही बड़ा सा फॉर्मेट में बड़ा सा क्वेश्चन एक पूछते हैं एक ही में, तब जो विभाग आपको जवाब देता है वो भेग जवाब दे देगा, जो डायरेक्ट जो आप जानना चाहते हैं वो देगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिए कि आप 1 या 2 पॉइंट ही पूछिए एक RTI में, तो उससे क्या होगा कि विभाग को बचने की बहुत कम संभावना रहेगी। तो भेग ना भेग सवाल पूछिए, ना आपको भेग जवाब मिलेगा। संक्षिप्त रखिए, संक्षेप में अपने सवालों को रखिए, शॉर्ट में पूछिए। अगर ज्यादा सवाल है, 8-10 सवाल है, तो आप 2-3 RTI लगा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये तो हो गई कि आवेदन आपको कैसे लिखना है। इसके बाद लिख लिए, नीचे में फिर आप अपना नाम पता मोबाइल नंबर सारा डिटेल दे दीजिए। अगर आप इसमें आपका आवेदन शुल्क 10 रुपये है, 10 रुपये का आप पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या चेक दे सकते हैं, ठीक है, जो जन सूचना पदाधिकारी के नाम से दे होगा। इसके अलावा आप इसमें क्या कीजिएगा कि जो इनवेलप होगा आपका, अगर आप BPL श्रेणी के हैं तब आपको वो नहीं लगेगा, जो 10 रुपये चार्ज है
वो नहीं लगेगा, और वो आपको लेकिन उसके लिए बीपीएल का जो कार्ड है उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आप इनवेलप लिखिएगा उस इनवेलप के ऊपर में आरटीआई एक्ट 2005 या सूचना का अधिकार 2005 लिख दीजिए, उसके बाद नीचे में लिखिए जन सूचना पदाधिकारी, फिर उस ऑफिस का पता डिटेल में लिख दीजिए, पिन कोड दे दीजिए, क्योंकि पिन कोड इसलिए जरूरी है कि आप साधारण डाक से नहीं भेजिए, मेरी तो यही राय है, आप स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, इसलिए कि आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि आपने भेजा है। तो जब आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से भेजिएगा तो उसका रिसिप्ट आपके पास रहेगा, आपको जो रिसिप्ट है जो पहला, और दूसरा जो पोस्टल डिपार्टमेंट के जो ऑनलाइन दिखता है कि वो रिसीव हुआ कि नहीं, उसका भी आप कॉपी निकाल कर प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए सबूत के तौर पर, और जो पोस्टल ऑर्डर किए हैं उसका भी आप सबूत रख सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर का नंबर रख सकते हैं, डीडी का नंबर रख सकते हैं, आप इस आवेदन का एक फोटो कॉपी अपने पास जरूर रखिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना, अगर आप गरीब हैं तो आपको बीपीएल श्रेणी का कार्ड लगा देना है, और अंत में अगर मान लीजिए आपने आरटीआई का ये सूचना का अधिकार मांगा और जिसकी मियाद होती है 30 दिन, अगर 30 दिन में आपको सूचना का अधिकार के अंतर्गत जवाब नहीं आता है तब आप प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, और विभाग वही रहेगा, नाम पता सब वही सेम रहेगा, सवाल भी आप वही दे दीजिए, ठीक है, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, उसमें डिटेल से लिख दीजिए कि मैंने फलना तारीख को सूचना अधिकारी को लिखा था लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है, मेरा ये प्रश्न है, और जो पुराना आपने भेजा था उसका फोटोकॉपी आप लगा दीजिए। इसके लिए जो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील करेंगे इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके बाद भी आपको सूचना का अधिकार में कोई जवाब नहीं आता है तब आप राज्य सूचना अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, ये आपका अंतिम उपाय है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया कि आप सूचना का अधिकार के अंतर्गत किस तरह से आवेदन बनाइएगा, कितना आपका फी लगेगा, किन लोगों को फी नहीं लगेगा, किस तरह से आपको पोस्ट करना है, क्या क्या एविडेंस रखना है। अगर आपको इससे संबंधित कोई और सवाल करना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।